स्वामीजी, 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 मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। पहले भी हमारा बच्चा ऐसे ही मर गया, कहीं इस वक्त भी ऐसा ही न हो ये सोचकर डर लग रहा है स्वामी जी। कुछ सूझ नहीं रहा है इसलिए आपके पास आया हूँ स्वामी जी, आप ही कोई उपाय बताइए स्वामी जी। ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। तुम्हारे पूर्वजों द्वारा किए हुए पापों के कारण तुम्हारे वंश में संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, और तो और दुष्ट शक्तियों के भटकने के समय पर जन्म लेने वाले बच्चे के प्राण बचाना बहुत ही कठिन है। किंतु अब तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति केवल भगवान नरसिंह में है। मैं जैसा कहूंगा तुम भगवान नरसिंह की सेवा वैसे ही करना। अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति से नरसिंह भगवान को प्रसन्न करो। यदि उसकी दया से तुम्हारा बच्चा इस संकट से बच निकला तो वो कोई सामान्य बच्चा नहीं होगा, वो भगवान नरसिंह का प्रतिरूप होगा। क्योंकि जानते हो ये जो घोर अमावस्या आई है किसी ऐसे वैसे लग्न में नहीं आई है, अथर्व लग्न में आई है। भगवान नरसिंह कृपा करना प्रभु। क्या हुआ माँ? पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। ए भगवान, ये खुद को आपका फैन कह रहा है, अपने गैंग में शामिल होना चाहता है। तू तो बच्चा लग रहा है बे, तुझे देखकर कौन डरेगा। बॉस, बॉस की तरह रहना सीख। अब तो मेरा फैन कहलाने के लायक लग रहा है।
कहाँ है वो लड़की? मुझे कुछ नहीं पता। इस सांड के सामने तू बकरी की तरह लग रहा है। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो अपना मुंह खोल, बोल। जब तक ये मुंह नहीं खोलता इसको मारते रहो। जी भाई। लकड़ियां जल्दी भिजवा देना। दादाजी मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय। ठीक है बेटा। ऐसे बगाड़ सिगरेट लेके आ जा। मालिक उसे स्कूल जाने दीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरा पोता भी ये काम करे। उस पर दया कीजिए मालिक, मालिक उसे स्कूल जाने दीजिए। तेरी जुबान बहुत चल रही है, पता नहीं तू कब लुढ़क जाएगा, उसके बाद तेरे बेटे का कर्ज कौन चुकाएगा? मालिक मैं 24 घंटे काम करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस मेरे पोते को पढ़ने दीजिए मालिक। अपना काम जल्दी खत्म कर। चूहे बिल्लियों का होता है, मैं जब मैदान में खड़ा होता हूँ तो नया पुराना सब भूल जाते हैं, डर लगता है सबको मुझसे। अच्छा, डर? डर से तो कभी नहीं डरा, लकड़ियों को जिस तरह डिजाइन से काटते हैं ना, मैं उसी तरह हड्डियाँ भी डिजाइन से तोड़ता हूँ। तुझे भी तुड़वानी है क्या? मेरा भी कुछ ऐसा ही है, डिजाइन से धुलाई करता हूँ, क्लास में मिलने वाले असाइनमेंट की तरह सफाई से स्केच बना कर एकदम दिल से पक्का काम को अंजाम देता हूँ। तू हमारे काम में दखल देके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ए, तुझे पता नहीं है मेरी ताकत क्या है? ताकत, हिम्मत और रफ्तार की बात की जाए ना बंदर, तो मैं शेर और चीते से भी एक कदम आगे हूँ। मेरी रगों में जो खून दौड़ता है ना, उसकी बात ही कुछ अलग है। तूने गुनाह किया है तो ये मत समझना कि मैं तुझे आसानी से छोड़ दूंगा। इंट्रोडक्शन बचा के ही देता हूँ मैं।
एक इंसान जो किसी मुश्किल में होता है, मेरे लिए वो किसी अपने से कम नहीं। हेलो, कौन है? ओहो, जिसने अटेंडेंस रजिस्टर जलाया था वही सोमनाथ। अरे, तुम्हें और तुम्हारे महान काम को कोई भूल सकता है क्या? वैसे क्या काम है? आत्महत्या कर ले, बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। फोन रख इडियट। बुलबुल, मेरी जाने मन कहां जा रही है? बुलबुल है? अरे बेशरम, अगर तू कॉलेज में रहेगा ना तो सारी लड़कियां भाग जाएगी। मैं तुझे इसी वक्त सस्पेंड करता हूँ। अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या है भालू? क्या चाबी रुक क्या? नहीं सर, मेरी जेब से मोबाइल निकालिए सर। मोबाइल? वो किस लिए? ये सेल्फी स्ट्रोक, जल्दी सेल्फी लीजिए सर। अरे मैंने बॉडी स्ट्रोक सुना है, ब्रेन स्ट्रोक सुना है, ये कौन सा नया सेल्फी स्ट्रोक निकाला है? सर निकालता हूँ। ये लो, निकाल दिया। थैंक यू सर। आराम से सर, आराम से। सर आपने मुझे मारा, मुझे स्ट्रोक आया, मैं किसी से नहीं कहूंगा सर। मेरे मारने के वजह से तुझे स्ट्रोक आया? अब मैं जिंदगी में कभी किसी को नहीं मारूंगा। अच्छा होगा सर। आई, अरे नंदू, मुझे तुमसे बात करनी है, आओ। क्या हो सर, आप टेंशन में दिख रहे हैं। टेंशन में? मैं किसी से नहीं कहूंगा सर। ये सब छोड़ो, नेक्स्ट मंथ ना लास्ट वीक में इंटर कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल है। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट रेडी करके तुम्हें उसे अच्छे से प्रेजेंट करना है। अपने कॉलेज की इज्जत का सवाल है, गेट रेडी। ठीक है? ओके सर, गुड। बकरा घंटा कहाँ है? ग्राउंड में है वो। घंटे का घंटा बज गया। अरे तुझे खेलना ही आता तो खेलता क्यों है? आ जा बॉल। अरे यार, हमेशा तू ऐसा ही मारता है, अब जा तू खुद ही बॉल लेकर आ। ए घंटा। हाँ भाई। जाना बॉल लेकर आ। ए, बॉल से चोट खाने के बाद मेरी बॉल अभी तक सेटल नहीं हुई है, नहीं जाऊंगा। ए भालू, तू जाके लेकर आ। अरे अब मैं कैसे कल्टी मारूं? अरे यार, प्रेशर तो बहुत जोरों का बन रहा है, आज पेंट की क्या हालत होगी पता नहीं। अचानक शुरू हो जा रहा है ना। नौटंकी कहीं के तुम लोग। नरसिम्हा, तो
आसमान को देख के क्या सोच रहा है भाई? मेरा एक लड़की पे दिल आ गया है। ओहो, तो ये बात है, चलो इतनी बात एक मेरे लिए उसकी एक मुस्कान ही काफी है। शराब से अब से मेरा कोई संबंध नहीं है, समझ लेना। तेरी तरह बोलने वाले कितने आशिक देवदास बनकर सीधा परलोक जा चुके हैं भाई। चाहे कुछ भी हो यार, उसे देखने के बाद पता नहीं क्यों मुझे किसी चीज में मन नहीं लग रहा। अरे बाप, भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही है मुझे। एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे, उसके प्यार में पूरी तरह खो चुका हूँ। तू यार मेरा एग्जांपल लेना। स्टार्टिंग में सब लोग प्यार में भंगड़ा करते रहते हैं, इंटरवल खत्म हो के जब तक क्लाइमैक्स आता है ना, थू जरा इधर आ, इस कमीने के बालों की तरह लाइफ हक्का नूडल बन के उलझ जाती है। ये सब तुम जैसे नकली आशिकों के साथ होता है। अगर मेरी तरह सच्चा प्यार करेगा ना तो जरूर मिलेगी। हाँ हाँ मिलेगी, मिलेगी जरूर मिलेगी तेरे को, घंटा मिलेगी। मेरे साथ रैगिंग करोगे? शक्ल देखिए अपनी, दिखने में बिल्कुल बंदर जैसे लगते हो। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और मुझे देखकर सीटी मार रहे थे। सॉरी दीदी, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम घंटा प्रसाद। घंटा? घंटा है तो तुझे सिर्फ मंदिर में होना चाहिए। तुझे यहीं बजा दूं क्या? तेरा नाम क्या है? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह नाम है तेरा? तेरा नाम तो छछुंदर होना चाहिए। तेरा नाम क्या है? गिल्ली डंडा। तेरा मैदान कहाँ है? अपने एरिया का हीरो हूँ मैं। हीरो तो नहीं, जीरो जरूर दिख रहा है। किस बैच का है तू? इतना पास आके पूछोगी तो कैसे बोलूँगा दीदी। ये क्या है? हाँ फैशन है। कल से तुम लोग फर्स्ट रैंकर्स की तरह तैयार होकर आओगे। ठीक है दीदी। ये लास्ट वार्निंग है, आज के बाद अगर लड़कियों को छेड़ा ना तो थोपड़ा बदल दूंगी तुम्हारा। ठीक है दीदी। चलो निकलो यहाँ से। दीदी मुझे एक डाउट है। हाँ क्या है? ये छछुंदर मतलब क्या है? चूहे का बड़ा भाई छछुंदर होता है। अब बिना कुछ बोले यहाँ से निकलते बनो। यार मेरे को छछुंदर बोल दिया। हाय रचिता। हे हाय। क्या रचू, वहाँ क्लास बंक करके यहाँ किसी की क्लास ले रही थी क्या? उन्हें थोड़े डाउट्स थे तो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके बता रही थी। मतलब किसी का भी डाउट होगा तो प्रैक्टिकल करके दिखाएगी। मजाक कर रही हूँ। हो गया ना, चलो अब निकलो। हाय सुषमा। हाय। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर, फीस बुक्स इन सब की टेंशन मत ले, हम तेरी हेल्प करेंगे। प्रिंसिपल से भी बात हो चुकी है, तू बस क्लासेस अटेंड करके अच्छे से पढ़ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, ठीक है? रचिता। हाँ। HOD बुला रहे हैं। मेरे साथ चल जाए। चलो चलेंगे। मैं आई कम इन सर? प्लीज डू। रचिता कम इन, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या हुआ सर, आपने हमें किस लिए बुलाया? हाँ वो लास्ट टाइम तुम लोगों ने कोर्ट असाइनमेंट बहुत अच्छा किया था, लोग बहुत खुश हुए थे। सो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम्हें फिर से एक और असाइनमेंट दिया जाए। थैंक यू सर। इस बार असाइनमेंट किस टॉपिक पर है सर? ब्लैक मैजिक, काला जादू, एक गहरे इतिहास से जुड़े एक वर्ग के लोगों का अटूट विश्वास ही ये ब्लैक मैजिक है, ऐसा लोगों का मानना है। तंत्र ज्ञान भूगोल शास्त्र पर रिसर्च करने वाले इस 4G युग में ब्लैक मैजिक का अस्तित्व अब भी बरकरार है। सो तुम लोगों को इस प्रोजेक्ट में पता ये करना है कि कमजोर दिल वाले लोगों के डर का फायदा उठा के क्या इसे एक बिजनेस के रूप में तब्दील किया जा रहा है। जब एक व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी के पास जाता है तो उससे कहते हैं कि अमावस्या की रात में 3 रास्ते वाली जगह पे नींबू काट के रखिए, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम में कहा जाता है कि तुमने किसी ऐसे नींबू पे पैर रखा होगा, इसी वजह से प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो सकती। और इसके बियॉन्ड निसंतान हो तो एक बच्चे की बलि दो, और अगर छिपे हुए खजाने को पाना चाहते हो तो एक अविवाहित कन्या की बलि देनी पड़ेगी। तुम समझ रही हो ना, इस तरह की घटनाएं अमूमन होती रहती है। ऐसा करने वालों को वास्तव में इसका फायदा मिलता है यही तुम्हें पता करना है। बिकॉज एक बहुत ही बारीक रेखा होती है विश्वास और आस्था के बीच। इस पर तुम्हारी रिपोर्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए स्टडी मटेरियल बनकर काफी हेल्पफुल होगी। होप यू गाइस विल डू वेल। वी विल ट्राई आवर बेस्ट सर। रचिता आई एम श्योर तुम इस पर खरी उतरोगी, मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सर। ओके यू मे गो।
ब्लैक मैजिक का अस्तित्व तो अब भी बरकरार है। इस पर तुम्हारी रिपोर्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए स्टडी मटेरियल बनकर काफी हेल्पफुल होगी। सर चाय। हाँ हाँ सर। रामपुर की बॉर्डर सर्वे फाइल को साहब ने मंगाया है, वो उसे देखना चाहते हैं। मुझे तनख्वाह तेरा लक्ष्मण साहब देता है या सरकार? सरकार सर। कौन सी फाइल देखनी चाहिए कौन सी फाइल नहीं देखनी चाहिए ये मैं जानता हूँ। इस फाइल को अब मैं ही देखूंगा, मैं ही सबमिट करूंगा। अपने साहब को बोल दे इस फाइल के सबमिट होते ही कई लोग जेल की हवा खाएंगे। चल जाए यहाँ से। ठीक है सर। दस कर आ जाते चमचागिरी करने। कहाँ रहती हो? कहीं भी हो तुम्हें उससे क्या? ओह वहाँ आकर तुम्हारे साथ पुगड़ी खेलूंगा। खेलोगी ना? खैर छोड़ो मैच बॉक्स दो। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत ठंड लग रही है जाने जाना। ओ, तो बॉडी पर पेट्रोल डालकर जला देती है। पेट्रोल की दुकान तुम्हारे बाप की है क्या, इसीलिए जलाने की बात कर रही हो? देखने में तो दोनों ही मासूम लग रही हो। छोड़ो अपना नंबर दे दो, जब मैं बोर होऊंगा तो कॉल करूंगा और मस्त चैटिंग भी करेंगे। मेरा नंबर चाहिए तुझे? रुक जा, पत्थर से सिर फोड़ती हूं तेरा। अरे पत्थर मत मारना। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं लोग। की ये फोटो वीडियोग्राफी कैसे इंसान हो तुम? वो बच्चा लहूलुहान होकर बेहोश पड़ा था, उसे क्या हुआ ये देखना चाहिए था, एम्बुलेंस को बुलाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था। मदद करने की बजाय हवा को रोककर तमाशा देख रहे थे, किसी की मजबूरी का वीडियो बना रहे थे। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वीडियो बनाते हो, कोई किसी को मारता है तो वीडियो बनाते हो, लड़की का दुपट्टा गिर जाए तो भी वीडियो बनाते हो, फेसबुक यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो। क्या मिलता है ये सब करने से? अगर कल आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ तो उसे हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय ऐसे ही खड़े होकर वीडियो बनाओगे क्या? हाँ, सोशल नेटवर्क पर एक्टिव रहना काफी नहीं होता, समाज में इंसानियत नाम की चीज को भी एक्टिव रखना चाहिए। कोई दुर्घटना होने के बाद बड़ा सा फोटो बनाकर उस पर रेस्ट इन पीस लिखने के बजाय उनकी मदद करके उनकी जान बचाने की कोशिश करना, तभी उनकी नजर में आप बेस्ट पीस इन द वर्ल्ड हो जाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसी मुश्किल घड़ी में जमा होकर वीडियो वगैरह बनाने के बजाय एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाइए, किसी की जान बचाइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। रो क्यों रही हो बेटा?
अंकल, आपने मेरे फ्रेंड की जान बचाई है, तो आप भी मेरे फ्रेंड हुए। थैंक यू। संभालो खुद को, तुम्हें बंद करो प्लीज। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय। ओह, लगता है मैडम का दिमाग अब भी गर्म है। ये रो क्यों रही है? इसका प्रॉब्लम क्या है? तुम जैसे टपोरी मवाली लोग रास्ते पर जाने वाली लड़कियों को जब तक बुरी नजर से देखना बंद नहीं करोगे, तब तक हम लड़कियां रास्ते पर बेफिक्र होकर नहीं घूम सकती। हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही देख लेंगी। तुम जाओ यहाँ से। किसी के बारे में ठीक से जाने बिना कुछ भी डिसाइड करना बहुत ही गलत बात है। दुनिया में सारे मर्द मवाली नहीं होते, मवालियों की धुलाई करने वाले भी होते हैं कुछ। क्यों? तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे क्या? क्या हुआ मुझे बताओ। अगर तुझे ये दुपट्टा चाहिए तो रात में मेरे पास आ जा और सुबह लेके चली जाना। आओ मेरे साथ। कौन है वो? सोचे समझे लड़कियों को अपनी जागीर समझने वाले कान खोल कर सुन लो। जब लड़की आंसू बहाती है तो उसकी रक्षा करने के लिए उसका बाप, पति, भाई, लवर आ जाता है, और अगर इनमें से कोई भी ना आ सका तो मेरे जैसा एक फ्रेंड पक्का आ ही जाता है। भाई, इतना मारने के बाद भी मुंह नहीं खुल रहा है। अबे, मार खा खा कर तेरा पूरा शरीर सूज गया है, अकल फिर भी ठिकाने नहीं आई क्या? बेकार में उस लड़की के लिए क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? इतना मारो कि अपना मुंह खोल दे। ठीक है भाई, शुरू करो। अभी वक्त है, बता दे वरना जान से जाएगा। तेरा टाइम खत्म और मारने के लिए। क्या रज्जू, आज फुल रोमांटिक मूड में लग रही हो। जया, मैंने सपना देखा, मैं अपने घर के आंगन में एक रंगोली बना रही थी और मेरे पास एक सुंदर सा राजकुमार खड़ा था। वो रंगोली के बजाय मेरे हाथों को बिना पलके झपकाए बस देखे ही जा रहा था। बस एक बार सपने में ही सही उसे फिर से देखने की इच्छा हो रही है, लेकिन जब भी वो सामने आता है आंखें झुकी रह जाती है। एक मीठा एहसास है और ये एहसास मेरे अंदर एक अजीब सी चाह जगा रहा है। जया, अच्छा, तुझे इस कदर अपने वश में करने वाला वो तांत्रिक वही है? तांत्रिक नहीं, वो मसीहा है, जैसे कोई देवता हो। इसका मतलब तुझे उससे पक्का प्यार हो गया है? वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उसकी आवाज सुनकर अचानक से
मेरा मन मचलने लगता है, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और जी करता है कि उसे अपनी बाहों में लेकर। ए रुचिता, क्या हुआ? अभी तो हंस रही थी तुम, ऐसे अचानक क्या हुआ? अरे कुछ बोल ना। नहीं कुछ नहीं, हमें अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए और आज अमावस्या है, प्रोजेक्ट पर स्टडी करने के लिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। सारी तैयारी कर ली है ना? हाँ तैयारी कर ली है। पावर बैंक तो चार्ज है ना? ठीक है चल चलते हैं। कम ए स्टॉप स्टॉप। यहाँ क्या कर रहे हो? हम जहाँ जाते हैं हमारे पीछे आ जाते हो, आखिर बात क्या है? आईने में अपनी शक्ल देखी है कि तुमने? खुद को क्या अप्सरा समझती हो? भाग यहाँ से। अरे आप अमावस्या की रात में कब्रिस्तान में क्या करेंगे? चुड़ैलों के साथ हम लोग सेल्फी ले रहे थे। तू तो सबसे बड़ी चुड़ैल है। चुप रह। कोई खास बात नहीं है, अपने प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी सी रिसर्च करने आए थे बस। मैं भी आऊँ क्या? बिल्कुल नहीं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो फिर ठीक है, वैसे इसको देखकर कब्रिस्तान के सारे भूत भाग जाएंगे। ए तो चल, पता नहीं कहाँ से आ जाओ। मुझे क्या करना है, मैं भी चलता हूँ। हेलो, यार चेहरे पे एसिड फेंकू या तो चाकू से डिजाइन बनाओ? अरे उसी को पूछ ले कि उसे क्या पसंद है। ए तेरा बॉडीगार्ड का है, उस दिन तो बहुत डायलॉग मार रहा था, अब बुलाना उसे। बॉय लोग रेडी हो ना? रेडी है। आज नहीं छोड़ूंगा, उसको गाड़ूंगा और तुझे एकदम सही कहा। कातिल माधव सिंह? नहीं जानता। पता है कितनी बार मैंने मीडिया वालों से बुलाया कि क्राइम करते वक्त मेरा लाइव कवरेज शूट करो, पर डर के मारे कोई आता ही नहीं। सब खत्म होने के बाद पुलिस वाले जो बोलते हैं वो ये लिखते हैं, थोड़ी सी भी मेहनत किए बिना झट से फाइल क्लोज कर देते हैं। ए, फिर एक बार तुझसे पूछ रहा हूँ, कसम खा के बोल, तू सच में मुझे नहीं जानता?
तेरी माँ की कसम मैं तुझे नहीं जानता। नहीं, मेरी बात सुन, हमें खून से जरा सी भी एलर्जी वगैरह नहीं है। तेरा गरम खून हम कोल्ड ड्रिंक की तरह पी जाएंगे। देख, ये भूखे भेड़िए तुझे नोचने के लिए तैयार है। काम की बात कर, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे सिर्फ चाहिए रामपुर के बॉर्डर की सर्वे फाइल। अगर तू मुझे वो लाकर दे देगा, बदले में बोल जितना पैसा चाहिए तेरे मुंह पर मार दूंगा। बेटा, तू डायलॉग तो सच में बहुत अच्छे बोलता है। मेरे पहचान के डायरेक्टर हैं, एक क्या बहुत से पहचान के, उनसे कहकर तुझे चांस दिला दूंगा। फिर करना एक्टिंग, कई साल तक तू चलेगा। लेकिन ये सब कुछ छोड़ दे, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट एक जैसे नहीं होते। मैं अपने काम से बेमानी करूंगा, तूने सोच कैसे लिया? हाँ, ये फाइल मैं प्रशासन के हवाले खुद करूंगा। तुझे जो करना है कर ले। आया बड़ा समझाने, नरक जैसी जिंदगी है तुम सबकी। तू मुझे पेमेंट सरकार देती है, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, गंदी नाली के कीड़े। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। अब कैसे बताऊं इसे? इसको पता चलेगा तो बेचारे का बहुत बुरा हाल होगा। फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। बा, 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 बेटा प, 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 पेक बना। अबे तुझे क्या हुआ है, ऐसे हकला के क्यों बोल रहा है? इसके किसी और पे लाइन मार रही है। क्या बोल रहा है? जो देखा वही बोल रहा हूँ। ब्लू दिखाइए जी, ये लेटेस्ट डिजाइन है, देखिए सर। करण, परफेक्ट। अच्छे कामों के लिए सफेद रंग बहुत शुभ होता है। शर्ट बहुत ही अच्छी है, तुम्हें पसंद है ना? पसंद है। हाँ तो फिर कल यही शर्ट पहन कर आना। प्लेस और टाइम तो तुम्हें याद है ना? हाँ याद है। कल सुबह 8 बजे शिव मंदिर में फिक्स हो गया है। आ जाऊंगा, तुम भी समय पे आना। तुमसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है, तुमसे पहले पहुंचकर मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें लेनी है। कम लेट्स गो, कम कम कम। कैमरामैन साहब नीचे नीचे। यार आखिर ये हो क्या रहा है? मलाई किसी और की और खा कोई और ही रहा है। बेटा तेरी कबूतरी तो कौवे के साथ उड़नची हो रही है, तेरी कहानी खत्म हो गई। यार नंदू, हम जिस लड़की से सच्चा प्यार करते हैं उसकी शादी किसी और से होती है। मैं भुगत चुका हूँ ना यार, ये हादसा जिसके साथ होता है वही समझ सकता है। मैं तेरे साथ हूँ बेटा। अरे अब तुझे क्या हुआ? छोड़ मुझे। कहाँ जा रहा है, रुकना। गम किसी और को, पी कोई और रहा है। याद है ना, मैंने कई बार कहा कि प्यार मत करना, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब भुख तो, अरे ये तो पूरी बोतल ही लेके भाग गया। अरे रुक जा यार। अरे यार ये तो गधे बेच के सो रहे। अरे उठ जा, मार डाला। भाई भाई भाई, टाइम पता है 7:45 हो रहा है। मैं क्या करूं? अबे 15 मिनट में तेरी कबूतरी उड़ जाएगी। पैर धोकर कन्यादान करने की जगह तू तो पैर उठा के सो रहा है। तेरी तो मेरा टाइम खराब चल रहा है, तू मेरी टांग खींचेगा क्या? अरे इसे बाद में देख लेंगे, पहले मंदिर चलते हैं। जाना जाना। सर्व मंगल मांगलेशु शिवे सर्वार्थ साधिके। ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। भालू, हाथ लाओ। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं। अब तो ये मेरी चट्टी बना देगा। भागो, अब तो ये मेरी चटनी बना देगा। क्या करूं? क्या हुआ बेटा?
लगता है हार्ट अटैक आने वाला है। गुर्दे भी हिल रहे हैं। अच्छा बहुत दर्द कर रहा है क्या? चलो इसे हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ठीक है चलते हैं। चलो जन्मदिन पर मैं तुझे ये हार तोहफे में दे रहा हूँ, संभाल कर रखना। ठीक है पापा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा शेर है, थैंक यू पापा। मेरी गुड़िया, हमेशा खुश रहना बेटा। छक मार रहे हो क्या? जाओ जल्दी जाकर ढूंढो उसे। हेलो आंटी। जी आंटी। नहीं आंटी, दो दिनों से तो मैं भी कॉलेज नहीं गई हूँ, इसलिए उससे मिलना नहीं हुआ। क्यों आंटी? फिक्र मत कीजिए आंटी, आप डांटेंगे ये सोचकर बिना बताए अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर चली गई होगी। मैं उससे बात करती हूँ, फिर आपको कॉल कर दूंगी। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। बिना बताए कहाँ जा सकती है ये? ए पल्लवी, जया को देखा क्या? नहीं यार, कल से वो क्लास में दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, तुझे पता है हमारे बैच से कोई ट्रिप पर गया है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं ऐसे ही। ओके स्वाति। हाँ? तूने जया को कहीं देखा है क्या? नहीं तो क्यों? कल से वो अपने घर पर नहीं गई है, उसकी मम्मी का कॉल आया था। अच्छा, मैं भी उसे कॉल कर रही थी पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वैसे किसी से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ी हुई थी, हो सकता है उसी के साथ कहीं। नहीं नहीं, जया ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ। जया ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। दो दिन इंतजार करती हूँ, तब भी नहीं आई तब सोचूंगी कि क्या करना है। क्या है गुड़िया? सोनी। नाइस नेम। हाँ? और बताओ सोनी। दीदी आप लड़कियों को इतनी चर्बी क्यों होती है? हाँ? अच्छे लड़के पीछे पड़ते हैं तो चुपचाप मान जाना चाहिए। ओह गॉड। पास होने पर दूर रहते हो, दूर जाने पर रोते रहते हो। आप लोग हमेशा ही ऐसा करते हो। अब आप सीधी तरह से रोज पकड़िए और एक अच्छा सा पोज दे दीजिए। All the best. Bye. पागल हो गई है मैडम।
मैडम आपका मोबाइल रेडी हो गया है ओके और डाटा इस कार्ड में कॉपी किया हुआ है ओके थैंक यू वेलकम मैडम देखा था वही आखिरी दिन था उस दिन के बाद से वो नजर नहीं आई और अब तुमने सुषमा के घर में घुसकर उसके बाल काटकर उसे मार दिया वही तुम्हारा लॉकेट मिला तब मुझे सच्चाई पता चली वरना तुम मेरे साथ भी प्यार का नाटक करते और यही सब करते हैं ना औरतों की मदद करने के बहाने उन्हें भरोसा दिलाकर उनकी जान ले रहे हो तुम पापी तुम इंसान नहीं हो बल्कि इंसान के रूप में एक राक्षस हो तुम शिट! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी क्या मैडम आप मजाक कर रही हैं बेचारे कॉलेज जाने वाले लड़के हैं सिर्फ शक करने से काम नहीं चलेगा सबूत भी होना चाहिए नहीं सर मैं कंफर्म करके ही बता रही हूँ देखिए कुछ भी करने से पहले थाने में आकर कंप्लेंट लिखवाइए ऐसे हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए सर चलो रे ओके सर सर ए भालू कहाँ है तेरा दोस्त उसने जो नीच काम किया है उसके लिए उसे सजा दिलवाऊंगी और जेल भिजवा कर ही रहूंगी देखिए उसने आपके साथ क्या गलत किया ये तो मुझे नहीं पता लेकिन वो गलत काम करने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं है पहले उसके बारे में ठीक से जानिए बाद में फैसला करिए कौन कैसा है मुझे पता है सब जानने के बाद ही कह रही हूँ इस वक्त वो कहाँ है बता पहले मैं
गया ना? पर मैं ही जीतूंगा। ये बता, तू शहर में पढ़ाई करने गया था या अपने शौक पूरे करने गया था? क्या हुआ माँ? तूने अपने माँ बाप का नाम जो रोशन किया है, जाकर कमला बहन के बेटे से कुछ सीख। बड़े शहर में एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर बन गया है वो, और तू एक हमारा नालायक। क्या हुआ माँ? मुझे क्यों मारा? किस लोग ने गुस्सा मुझ पे उतारते रहते हैं? पिताजी, क्या हुआ? कमला, मेरा बेटा शहर में पढ़कर बहुत नाम कमा रहा है। क्या? हमारे सपनों पर पानी फेर रहा है। देख देख देख, कितने दुखी हैं तेरे पिताजी। हम यहाँ पर मेहनत करते रहेंगे और तू शहर में पढ़ाई के बहाने मजे करते रहना। पिताजी, अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। ये सब क्या हो रहा है माँ? मैं तो नाटक कर रही थी, तुझे नहीं पता क्या? तू फिक्र मत कर, ये तो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। तू तो मेरा राजा बेटा है। तू कितनी बड़ी एक्टर है मुझे पता नहीं है क्या? मामूली औरत नहीं है तू, एक्टिंग स्कूल से पढ़कर आई है। आप जाके काम कीजिए ना। एक गुस्सा मत दिला मुझे, दिमाग खराब हो गया ना तो एक एक को पटक पटक कर मारूंगा। जो करना है कीजिए, जाके अपने काम निपटाइए। क्या हुआ? ओ, इनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर रहता है। ज्यादा मुंह मत चला। उनको तू छोड़ ना, जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तुझे खाना निकाल के देती हूं। आप भी चलिए बेटे के साथ खाना खा लीजिए। सब ऐसा क्यों पेश आ रहे हैं भैया? कुछ भी कहो, बहुत ही मस्त चीज है। तू किस बारे में बात कर रहा है शाम? अभी आया मालिक। अरे बाप रे। बेटा, जो लड़की तुमसे मिलने आई है कौन है वो? कुछ पूछने पर ठीक से बोलती भी नहीं है, बड़ी अजीब तरह से पेश आती है। जब से वो घर आई है ना, तेरे पिताजी मुंह फुलाकर पूरे घर में इधर उधर घूम रहे हैं। क्या वो तेरी कोई दोस्त है? बस मेरी जान पहचान उसे माँ। अच्छा, लेकिन यहाँ क्यों आई है मेरे समझ में नहीं आ रहा। तू खिलाना माँ, छोड़। उससे जरा ये पूछ कि वो यहाँ क्यों आई है। वैसे हमने सबको बताया है कि वो सतीश भैया की बहन की बेटी है। तुझे तो पता है ना, तेरे पिताजी का ये घराना महाराज के किसी घराने से कम नहीं है। उन्हें तो बस दंड देना आता है। समझ रहा है बेटा? तुम यहां क्या ढूंढने आई हो? मेरे पीछे यहां आने का मकसद क्या है? इस गांव में हमारी बहुत इज्जत है। एक पराई अनजान लड़की इस घर में आई है, ये जानकर लोग क्या समझेंगे पता है? इसी वक्त यहां से चली जाओ। हाँ, तुझ जैसा राक्षस जो बलि चढ़ाता है वो इज्जत की बात कर रहा है। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता मैं यहां से नहीं जाऊंगी। चाचा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसा हम बेटा है वैसे ये भी तो बेटा है ना, इसको भी खर्चा उठाने के लिए कहिए। अरे, इतने दिनों से तंदुरुस्ती तब कुछ नहीं कहा, और अब जब बीमार रहने लगी है तब मेरे गले में डाल रहा है। ये नहीं चलेगा, मैं नहीं रखूंगा। अरे अब बस भी करो, गांव के सारे बच्चे तुम्हारे जैसे हो गए तो बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? ए शंकर चाचा, नहीं समझते तो चुपे रहिए। ये बुढ़िया को तो हम संभाल ही रहे थे। सरकारी पैसे जब ले सकता है तो इसको भी यही संभाले, काहे नहीं बोल रहे हैं? ए चुपचाप रह, तेरी माँ ने छोटे और उसके बच्चों का मुंह देखकर प्यार से दे दिया होगा। अच्छा, तो हम बेटा नहीं है का? हमारा बच्चा उसका बच्चा नहीं है, खाती है हमारा घर में और उधार चुकता करेगी इसका, तो इसी के घर में जाके रहे ना। एक बात बता, तेरी माँ की जो 2 एकड़ जमीन है वो तू लेकर बैठा है ना? बात नहीं है, उका है कि तेरी स्थिति अच्छी है, उसकी खराब है, इसलिए उसने इसे पैसे दे दिए। देखिए चाचा जी, मुझे 500 रुपए नहीं चाहिए और माँ भी नहीं चाहिए, इसे ही संभालने दो। ऐसा नहीं चलेगा। ये दोनों बहुत ही जिद्दी है, समस्या समझाने से नहीं सुलझेगी। अब तो ही कुछ फैसला सुना दे। देख, इतने दिनों से तू अपनी माँ को संभालता आया है और अब आगे भी उसे मिलने वाले 500 रुपए तू खुद ही रखकर अपनी माँ को संभाल ले। अरे आखिर तू घर का बड़ा बेटा है माधो, समझदारी से काम ले। चाचा ये सब नहीं चलेगा,
वो जमीन भी हमको नहीं चाहिए अब पैसा भी नहीं चाहिए। दोनों खुद रख ले अब बुढ़िया को भी संभाल। हाँ कहेगा इतने साल मैंने उसे संभाला, कुछ महीनों में मर जाएगी ये भी पता है। एक एकड़ जमीन तो मुझे वैसे भी मिलेगी, अब देखभाल करना भारी पड़ रहा है, इसीलिए उसे मेरे गले में बांधेगा क्या, मैंने रखूंगा। तुमको तो सब मुफ्त में चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कैसी बातें कर रहे हो। तुम दोनों ऐसे ही लड़ोगे तो ये बेचारी माँ कहाँ जाएगी, किसके सहारे जिएगी ये। वो सब हम नहीं जानते। तुम लोगों को तो मैं इन्हें समझाने का मतलब दीवार पर सर पटकना है। अरे तू कहाँ जा रहा है, अब इन्हें कैसे समझेंगे। तो क्या, ये लो माधव इसमें जहर है, माँ को पिलाकर मार दो उसे। अरे जहर देके मारना तो पाप होता है ना। तो माँ को रास्ते पर छोड़ना पुण्य का काम है, अपनी माँ की तरफ देखो तो सही, जरा भी बुरा नहीं लग रहा तुम्हें। 9 महीने तकलीफ उठा के तुम्हें जन्म दिया, अपना पेट काट कर तुम्हारा पेट भरा, तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो ये सोचकर इस बेचारी माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं। तुम दोनों के मिलकर 4 हाथ हैं, लेकिन आज अपनी माँ का हाथ थामने के लिए एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर बचपन में इस माँ ने तुम्हारी अच्छी परवरिश ना की होती ना, तो आज तुम रास्ते पर होते, हाथ में कटोरी लिए भीख मांगते नजर आते। माँ का फर्ज है बच्चों को संभालना, पर बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता है क्या। माँ कोई बोझ नहीं होती, वरदान होती है। इतना कहने के बाद भी समझ में नहीं आया ना, तो छोड़ दो अपनी माँ को, मैं संभालूंगा इसे। रहने दे बेटा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से बच्चों को तकलीफ हो, मैं किसी तरह अपना जीवन काट लूंगी बेटा। माँ गलती हो गया, माँ चलो ना घर चलते हैं। भैया इतने दिन माँ का ख्याल तुमने रखा, अब माँ का ख्याल मैं रखूंगा। ठीक है छोटे, तो चलो हो गया। ए, अब तुम दोनों माँ का ख्याल ठीक से रखना। किसी के भी दिल में माँ के लिए नफरत नहीं होती, हमेशा प्यार होता है, लेकिन उसे ठीक से समझाना पड़ता है। चलो माँ, इसकी नजर उतारो चाची, गांव वालों की नजर न लग जाए कहीं। बेटे ने फैसला लिया ये कुछ तो ज्यादा उड़ मत, मैं भी यही समझाने वाला था, ये पीछे आ गया। अरे अंगना में बाबा दुआरे पे माँ कैसे आई गोरे हम श्याम। मैम साहब, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी मन पसंद बीड़ी का पैकेट लाई हूँ। ये लो पकड़ो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं मैम साहब। लेकिन मैं जो पूछूंगी तुम्हें उसका सही सही जवाब देना होगा। पूछिए ना मैम साहब, मैं सब बता दूंगा। तुम्हारी नजर में नंदू कैसा है। मेरे जैसा ही है, लेकिन उसे थोड़ा सा गोरा है। मेरा मतलब है वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। ये इतना क्यों पूछ रही है, हमारे गाँव में नंदू जैसा कोई इंसान नहीं है। श्याम, आए मालिक। श्याम, अरे मैं नहीं वो पूछ के काम करने आता है। ओह शह, ये मेरे बेटे के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रही है, आखिर बात क्या है। डर गई क्या, हमने तो पेड़ काटा है। अरे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
जा रहा हूँ। कण में बसे तू ब्रह्मा स्वरूप कभी राम।
भगवान नरसिंह का आराध्योत्सव है, भक्ति भाव विश्वास का प्रतीक है। उस भगवान की दया करुणा से मेरा नंदू जन्म के समय अपनी ही मृत्यु से लड़कर मृत्यु पर विजय पाने वाला मृत्युंजय है। भगवान नरसिंह का ध्यान ही उसके लिए लोक ज्ञान है। सब लोग उसे नंदू बुलाते हैं, लेकिन वो अथर्वनंद है। तीन मन वजन वाले तांबे के पदार्थ से भगवान नरसिंह की प्रतिमा बनाकर वर्ष में एक बार आने वाली अवरात्रि अमावस्या के दिन पूजा एवं अभिषेक करना होगा। फिर भविष्य में एक दिन वो ज्ञानी और बलशाली होकर नरसिंह की मूर्ति सर पर उठाकर परम भक्त कहलाएगा। उस पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए वो देव स्वरूप माना जाएगा। विश्वास प्रेम एकता का प्रमाण है ये। वो प्रतिमा केवल कोई भारी वस्तु नहीं है, लोगों के मनों में भक्ति जगाने वाली कीर्ति का प्रतीक है। वो लोगों के कष्टों और पीड़ाओं को समझने वाले दुखहर्ता हैं हमारे। भगवान के प्रति नंदू की ये भक्ति कोई दिखावा नहीं है। लोगों का उस पर जो विश्वास है वो भी झूठ नहीं है। भगवान की भक्ति, इन लोगों का विश्वास, यही नंदू की शक्ति है। जो विश्वास नहीं करते वो नंदू को नहीं समझते, और जो उसे समझते हैं वो कभी उस पर शक नहीं करते हैं। यहाँ आखिर हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव वाले से भगवान की तरह पूछते हैं, कहीं ये गांव वालों को घर वालों को भगवान के नाम पर बेवकूफ तो नहीं बना रहा, या फिर इसे समझने में मुझसे गलती हुई है। नहीं, अब ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं, सीधा उसी से पूछना बेहतर होगा। हाँ ठीक है, बाय। नंदू, मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये तुम भी जानते हो, और मैं ये समझ गई हूँ कि तुम पर शक करने से कुछ साबित नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात का जवाब देना ही होगा। मेरी फ्रेंड सुषमा के साथ क्या हुआ, उसके घर में जो भी हुआ उसका तुमसे क्या संबंध है? तुम्हारे सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। वो मेरी फ्रेंड है, वो जिंदा भी है या नहीं ये भी नहीं पता, तुम्हें बताना ही होगा, तुम्हें मेरी कसम। उस दिन कॉलेज कल्चरल फेस्ट के लिए मैं रिहर्सल कर रहा था। बहुत खूब, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। थैंक यू सर। इस साल का अवार्ड हमें ही मिलेगा। हाँ सर। उतने में मुझे सुषमा का फोन आया, और उसके घर पहुंचने से पहले ए, चल साइड में खड़ी हो, चल चल चल, चुप कर बैठ। को छोड़ दो, छोड़ दो उसे, उसे कुछ मत करो, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। चुप रह, चुप, छोड़ दो मेरी बेटी को। तेरे उस दोस्त ने मेरा सर मुड़वाया था ना। सुषमा, आज मैं तुझे गंजा भी करूंगा। नहीं, उसे छोड़ दो। सुषमा मत बताना बेटा, कुछ लोगों ने घर में घुसकर मेरी बेटी की ऐसी हालत कर दी, दुनिया वाले ये जानकर गंदे गंदे ताने देंगे, हमारा यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा।
हम कहीं दूर चले जाएंगे, इस शहर से कहीं दूर। सुकून से जीना चाहते हैं हम। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, किसी से कुछ मत कहना, मुझे वचन दो। कहीं तुम मेरे बारे में गलत समझकर मुझसे दूर चली जाओगी, इससे ज्यादा किसी के वचन का पालन करना मेरे लिए जरूरी था। सॉरी नंदू, मैंने तुम्हें गलत समझकर बहुत कुछ कह दिया। अब वो लोग कहाँ हैं? जया कहाँ है? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारी वजह से ही वो इतना बिगड़ गया है। अब देखो, हम इतने बड़े जमींदार हैं, यहाँ का काम देखने के लिए यहीं रहता, पर नहीं, उसे तो पढ़कर जिंदगी में कामयाब बनना है। अब शहर वापस मत भेजना, यहाँ अपने पास ही रहने के लिए कहो उसे। बस एक साल रह गया है, जाने दीजिए उसे। तुम भी ना, हमेशा उसकी तरफदारी करती रहती हो। अब तक जितना पढ़ा है उससे हिसाब किताब करना नहीं आएगा। मैं एक अंगूठा छाप होकर भी एक एक पाई का हिसाब किताब अच्छी तरह रखता हूँ। बहुत अच्छा हिसाब करते हैं आप, लेकिन अब जरा अपनी लुंगी ठीक करके अच्छे से बैठ जाइए। इसकी भी नजर कहाँ कहाँ रहती है। अरे बेटा, कितना गंदा करती है मुँह। तुम हाथ क्यों फैला रही हो इन बच्चों की तरह? बचपन से ही माँ के हाथों से कभी नहीं खाया। माँ तेरी ममता कितनी है, तेरे चरणों को शत शत प्रणाम। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मुझे मेरी माँ का प्यार नहीं मिला, कभी उनके हाथ से नहीं खाया। आपके चेहरे में मुझे अपनी माँ नजर आती है, दीजिए ना माँ। देती हूँ बेटा, उससे पहले मुझे आपको सॉरी बोलना है। मैंने आप लोगों को गलत इंसान समझकर बहुत बड़ी भूल की है। जब तक आप लोग मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं खाऊंगी। दीना, तू इतना सोच क्या रही है? गलती होना गलत बात नहीं है, गलती ना मानना गलत होता है। देख बेटा, माँ का प्यार नहीं मिला सोचकर एक मर्द दुखी हो समझ में आता है, लेकिन तुम एक लड़की हो और ऊपर वाले ने माँ बनने का सौभाग्य तो हमें भेंट के रूप में दिया है, इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है। मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ, ये लो। खुश रहो बेटा। चलता हूँ पिताजी। बेटा, पढ़ाई खत्म होते ही घर लौटाना। हमारी भी उम्र हो चुकी है, अगर बेटा साथ रहेगा तो हिम्मत बनी रहेगी। ठीक है पिताजी। अरे रहने दो बेटा। चलती हूँ माँ। ऐसे नहीं जाने दूंगी, कहो कि वापस आऊंगी। ये मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है, हम सब है ना। हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अब बातें खत्म करो और आ जाओ। ए, ख्याल रखना अपना। हाँ पिताजी। अच्छा एक बात पूछने, बुरा मत मानना। उस दिन रोड पर बाप बेटी को देखकर तुम इतनी इमोशनल क्यों हो गई थी? ये रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ ना? रचिता क्या हुआ बोलो ना। पैदा होते ही मैंने अपनी माँ को खो दिया,
मेरे पापा ही मेरे सब कुछ थे। उन्होंने मुझसे इतना प्यार किया कि मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। मुझे जरा से भी चोट लगती तो मुझसे ज्यादा उन्हें तकलीफ होती। अरे रे रे, नमक डालना भूल गया। क्या हुआ? बेटी की हर सांस तो पिता की जान है, पिता के चेहरे की बेटी तो मुस्कान है। बेटी की हर सांस तो पिता की जान है, पिता के चेहरे की बेटी तो मुस्कान है। ना जो से तुझे पाला है फूलों की तरह, बचपन में तुझे झुलाया झूलों की तरह। बेटी की हर सांस तो पिता की जान है, पिता के चेहरे की बेटी तो मुस्कान है। मेरे पापा रामपुर में सर्वे डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट का काम करते थे। रामपुर बॉर्डर बेल्ट में गैर कानूनी काम चल रहा था, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स का हाथ था। मेरे पापा ने उनके खिलाफ सारी डिटेल्स इकट्ठा की और गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए एक फाइल रेडी की। वो फाइल सबमिट हो जाती तो उन सबको जेल हो जाती, इसलिए उन सारे करप्ट लोगों ने गुंडों का सहारा लिया और मेरे पापा को धमकी देनी शुरू कर दी। उनमें से माधव सिंह नाम का एक खूंखार क्रिमिनल था, वो किसी राक्षस से कम नहीं था। उसने फाइल को हथियाने के लिए मेरे पापा को डराना शुरू कर दिया। फिर भी जब पापा ने फाइल देने से इनकार किया तो उसने हमारे घर में अपने आदमियों को भेजा और तब पापा ने मैंने अपने फर्ज से गद्दारी ना कभी की है और ना करूंगा। मैं एक बेटी का बाप हूं। ये सब जानते हुए भी मैं तुम जैसे लोगों के साथ पंगा ले रहा हूँ, मतलब ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रास्कल्स, गेट आउट, निकल जाओ। कौन थे वो पापा? तू डर मत बेटा। हाँ? इधर देख, शेर कभी भी किसी से नहीं डरता। हाँ? नहीं ना? हाँ? वैसे स्ट्रांग रहना, बेकार की टेंशन मत लो बेटा, भूल जाओ ये सब। गुड 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 गर्ल है, स्ट्रॉन्ग है ना। दिन ब दिन उनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही थी, इसलिए मेरे पापा ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस इलाके का डिप्टी सर्वे ऑफिसर होने के नाते हमारे इलाके के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के सभी अधिकारी मेरे काम में दखलअंदाजी कर रहे हैं, और तो और कुछ गुंडे भी मेरे परिवार के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमें मौत की धमकी दे रहे हैं। मेहरबानी करके हमारी सिक्योरिटी का प्रबंध करवाइए और मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने काम से संबंधित सभी दस्तावेज सीधा न्यायाधीश को सौंप सकूं। आपका शुभचिंतक शिवराम। और फिर एक दिन वो क्रिमिनल माधव सिंह खुद ही हमारे घर आ गया। हेलो, सर, कैरेक्टर की बात करें तो हम शराब पीते हैं और आप पानी पीते हैं। यूं कहा जाए तो आप एक शरीफ इंसान हैं और हम बुरे हैं। अगर मैं यूं ही डायलॉग मारता रहा तो फिल्म खत्म ही नहीं होगी। फाइल दे दीजिए सर। वो मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। नहीं दोगे? चलो, पापा, पापा, ये क्या हो गया पापा? फाइल। पापा, ये क्या हो गया?
ये है सारी कहानी। उसकी लाइफ में कितना कुछ हुआ है, दिल में इतना दर्द छुपाकर फिर भी कितनी खुश दिखाई देती थी वो। मुझे भी इसी बात की हैरानी हो रही है, जब उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था तो दुनिया का सामना करने के लिए उसने ऐसा रास्ता अपनाया। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लड़कियाँ अपने दिल की बात जल्दी नहीं बताती। कम से कम तू तो अपने दिल की बात बता देना। तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, उस बेचारी का कोई नहीं है लेकिन तू उसकी जिंदगी संवार सकता है। उसकी आंखों में एक आंसू भी मत आने देना। इस ब्लैक मैजिक प्रोजेक्ट के बारे में जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो कहीं किसी कोने में सच्चाई का सुराग मिलने के बावजूद एक बात मुझे बार बार खाई जा रही थी, यही कि लोग तांत्रिकों पर भरोसा कैसे कर लेते हैं। और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक जीता जागता सबूत बनकर, एक बड़ा सा उदाहरण बनकर मुझे जो मिला वो था एक व्यक्ति अथर्वा। शहर में तो वो औरों की तरह आम जिंदगी ही जी रहा था लेकिन अपने गांव में अथर्वा एक बहुत ही विशेष व्यक्ति था। वहाँ के पूजा पाठ भक्ति भावना के वातावरण में कुछ पलों के लिए मैं खुद को उनसे काफी अलग महसूस करने लगी। फिर मुझे पता चला किसी भी मनुष्य का मन उसकी परिस्थिति और समय के अनुसार किसी पर भी विश्वास करने पर मजबूर कर देता है। और उन्हीं में से कुछ लोग जो बहुत परेशान या किसी पर निर्भर होते हैं वो इन चीजों से प्रेरित होकर काले जादू जैसी चीजों पर भरोसा करने लगते हैं। वेल, मैंने तुम्हारा सबमिशन देखा और असल में विषय सही है या गलत ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुमने जैसा इसे प्रस्तुत किया है मुझे वो तरीका बहुत पसंद आया। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हारा ये सबमिशन देख के लगता है जैसे तुम्हारा ये सफर इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिज्म से ज्यादा इनक्यूजिटिव जर्नलिज्म की तरफ है और ये बहुत ही इनोवेटिव है। ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। थैंक यू सर। रचिता सर, ये तुम्हारे माथे पे जो शिकन है वो आधा सच्ची बयान कर रही है, असली परेशानी अभी भी तुम्हारे अंदर है। एक बात कहूँ, वैसे ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, अपने काम को पर्सनल लाइफ से अलग रखना सीखो। ऑलराइट, दिमाग को शांत रखना सीखो। गुड लक, थैंक यू सर, हैव अ गुड लाइफ। या सीधा जाके बोल दे उसे, वो भी यहाँ कह देगी तेरा काम हो जाएगा, फिर हम सब शादी में खाना खाने आ जाएंगे। देख ज्यादा भाव मत खाना, समझ गया ना? ऑल द बेस्ट। आज दिल की बात कह ही दूंगा। इनकी तरह दोनों जल्दी सेटल हो जाओ। बेटी, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी एक तमन्ना है, पूरी करेगी तू? रुचिता, तुम्हारा ध्यान किधर है? आप फैल जाती तो? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है? अपनी जान की भी परवाह नहीं है तुम्हें? अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी जीऊं या भरोसा न तोड़कर वादा निभाने के लिए जीऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है, ये खुलकर बताओगी? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं नंदू से प्यार करने लगी हूँ, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी ये समझ में नहीं आता। लेकिन 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 क्या? मेरे पापा ने, मेरा दोस्त कृष्ण प्रसाद और उसका बेटा अरुण, अपने दोस्त के बेटे अरुण से मेरी शादी करवाने का उन्होंने वचन दिया था। मेरे पापा ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी बस यही ख्वाहिश थी कि मैं अरुण से शादी करूं, इसलिए मैंने उनको वादा किया। प्रॉमिस? थैंक यू बेटा, थैंक यू। और अब मुझे अपना प्यार त्यागना क्यों ना पड़े? मैं अपने पापा से किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगी, तभी मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी नंदू। कभी कभार अपनी ख्वाहिश के बजाय अपने करीबी इंसान की ख्वाहिश पूरी करने से उन्हें जो खुशी मिलती है उसी खुशी से हमें भी खुश होना चाहिए। तुम्हारे पापा की ख्वाहिश मैं पूरी करने में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो लड़का ही तुम्हारा जीवन साथी बनेगा।
फ्रेंड जया और वो लड़का मतलब उसके हस्बैंड के घर का ये एड्रेस है। शादी से पहले उसके घर वाले शादी के अगेंस्ट थे, इसलिए दोनों ने आत्महत्या की कोशिश की। सबको समझा कर नंदू ने उनकी शादी करवाई और कुछ दिन कहीं दूर रहने के लिए कहा। वो सबके लिए अच्छा सोचता है मगर ये वक्त उसी के साथ खेल खेल रहा है। सर नमस्ते सर, यहाँ स्क्रैप के गोडाउन के पास मर्डर हुआ है सर और फॉरेंसिक वाले भी आए हैं सर। हाँ सर ठीक है सर, ओके सर ओके। सर एक मिनट, फिक्र मत कर यार, तेरे वापस आने तक उसकी जिम्मेदारी मेरी है। देखना उन्होंने हमारे भालू को मार दिया। मत छोड़ना, किसी को भी मत छोड़ना। बहुत बड़ी खिलाड़ी है तू हैं? पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो गई और मुझसे बच गई। अरे मेरा जीना हराम करके रख दिया है तूने। रचिता जी पापा, इसकी जीरोस करके लिया बेटा जरा। ओके फाइल ढूंढो रे, जब ये मर चुका है फाइल मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है, चलो रे। रचिता इसी वक्त शहर को छोड़ के भाग जा, वो माधो सिंह के आदमी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जान ही क्यों ना चली जाए, मेरे पापा के हत्यारे को जब तक सजा नहीं मिलेगी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। संतोष मेरी हेल्प करोगे? हाँ बोलो ना रचिता। मेरी जिंदगी में अब अगर कुछ भी बचा है तो वो मेरे पापा का दिया हुआ लॉकेट है, वो घर पर है, तुम मुझे वो ला दोगे क्या? हाँ ला दूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं रचिता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हें ला के दे दूंगा, लेकिन अभी तुम जाओ रचिता प्लीज जाओ, जाओ ना। लेकिन आपकी पेंशन पाने के लिए एड्रेस देकर फंस गई है बेचारी। मेरे ऊपर केस करके मेरे खिलाफ दवाई देने की हिम्मत है तुझमें? देख मेरी आंखों में देख, क्या लग रहा है तुझे? देखा डर लग रही से? डरना ही चाहिए नहीं तो हम डर पैदा कर देंगे। अरे इसे पता भी है इसे ढूंढने के लिए तुम लोगों ने कितनी भागदौड़ की है, अब देखना मैं इसे अपने हाथों से मारकर जश्न जश्न मनाऊंगा। तू मुझे जेल भेजेगी क्या? तेरा बाप भी यही सोचकर आया था, बड़ा शाना बन रहा था। ए, तेरा भी वही हाल करूंगा। इस तरह घुसा है खुद को तूफान समझता है क्या? सिर्फ तूफान नहीं तुम जैसों को उखाड़ फेंकने वाला महातूफान। hmm.
मिट्टी में मिलाने के लिए आ गया हूँ मैं। अच्छा है, तेरी एंट्री तो बहुत फाड़ू लगी रे। बुलेट गाड़ी, ऊपर से मस्त बॉडी, ब्यूटीफुल लेडी को देखकर तो कोई भी अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ज्यादा डायलॉग बाजी में फिल्म खत्म नहीं होगी, तुझे एक मौका देता हूँ, भाग जा। एए, इसे पेट्रोल के पैसे देकर दफा करो। मेरे मासूम दोस्त ने तेरा कुछ भी बिगाड़ा नहीं था, पर तूने उसे टपका डाला। अगर ज्यादा उड़ेगा तो तुझे भी टपका दूंगा। गंदी नाली के कीड़े, तू खुद मरना चाहेगा तो भी नहीं मरने दूंगा, तुझे अपने हाथों से ही मारूंगा। ए, इस माधो सिंह का नाम सुनकर गली मोहल्ला तितर बितर हो जाता है, समझे? जानता है मैं किसी को घूरता हूँ ना, तो सामने वाला कब दबाने लगता है, उसकी फट जाती है और वो भाग जाता है। और अब तुझे भी मारकर बोरी में बांधकर गटर में फेंक दूंगा। तेरी कीचड़ भक्कियों से मैं नहीं डरने वाला, तेरे सामने शेर खड़ा है। ए, मार डालो इस कमीने को। Yes.
बेटा, ये सिर्फ लॉकेट नहीं है, ये तेरी माँ की निशानी है। इसे देखकर तुम्हारी माँ की याद आती है। कल अगर मैं भी पापा संभाल कर रखना, हा? ये तेरे पास रहेगा ना तो ऐसा लगेगा कि हम सब साथ में हैं। मैंने उस लड़के से बात कर ली है, कल रजिस्ट्रार ऑफिस में तुम्हारी उससे शादी है। मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाकर तुमने मेरी जान बचाई। दिल में प्यार होते हुए भी बिना किसी स्वार्थ के कितनी आसानी से मुझे किसी और को सौंपने जा रहे हो। मेरे पापा का वादा पूरा करने के लिए अपने प्यार का बलिदान दे रहे हो। मेरी शादी करवाने की इतनी जल्दी है तुम्हें? मेरी इन आंखों को तुम्हारी शादी देखने के अलावा और कुछ भी काम नहीं बचा। तुम्हारे पापा भी खुश और तुम भी खुश हो जाओगी। आखिर जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए तो होता है ना। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो भी कहूंगी वो तुम्हारी अच्छाई के आगे छोटा ही होगा। तुम्हें कुछ भी समझाने की काबिलियत और ताकत मुझ में नहीं है, तुम सब जानते ही हो। और अब तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा। मगर एक बात तो सच है, मैं इस जन्म में तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगी। तो फिर अगले जन्म में मेरी माँ बनकर आना और माँ का प्यार देकर एहसान चुका देना। नंदू, इतनी तेज बारिश में तो ऐसे क्यों भीग रहा है यार? अपना भालू हमें छोड़ के चला गया। तुझे ऐसे देख के मुझे बहुत डर लग रहा है यार। देख, तू फिक्र मत कर, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरा प्यार सच्चा है। ये ऊपर वाला जो है, अगर वो सच्चा होगा ना तो कल उसकी शादी नहीं होगी, नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। चल घर चलते हैं नंदू, चलना चलना भाई, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, चल प्लीज चल। पापा, एक वादा लेकर आप चले गए और नंदू मेरा प्यार लेकर चला गया। किसी एक को दिल में बसाकर किसी दूसरे से शादी करने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। ऐसी जिंदगी जीने के बजाय मेरा मर जाना ही बेहतर है। दिल भर गया है जहां से, मन छोड़ चला अब तन को।